सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पे ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा में हम हिंदी करेंगे, तो आज की कक्षा के लिए आपको चाहिए आपकी टिमटिम बुक, आपकी मधुसरिता बुक और आपकी हिंदी की नोटबुक। सबसे पहले ये तीनों चीजें निकाल लीजिए, साथ में आपकी पेंसिल और इरेजर भी, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अपनी टिमटिम बुक को खोलिए। बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में हमने क से ज्ञ तक के सारे व्यंजन किए थे और साथ में ये चित्र पठन भी किया था। अब आज हम इसके आगे की चीजें करेंगे। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 70 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 70 और 71 दोनों में एक क्या है, पिक्चर बनी हुई है। ये किससे रिलेटेड है, मैदान से। तो अभी मैं ये पढ़ने वाली हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। पहले आप चित्र देखिए, इसमें क्या क्या है। देखिए, एक बड़ा सा मैदान है, यहाँ पे एक पेड़ है और एक पेड़ यहाँ पे भी है। इस पेड़ में दो उल्लू बैठे हुए हैं, ये एक भैंस खड़ी हुई है और क्या क्या है, ये कुछ बच्चे नीचे खेल रहे हैं, कुछ तितलियां हैं नीचे और ये फूल है, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस चित्र में दी हुई है। अब इस चित्र के बारे में पढ़ लेते हैं। हरा भरा है यह मैदान, तरह तरह के पेड़ों का मैदान, डाल डाल पर पंछी देखो, पेड़ पर बैठा उल्लू भी देखो, ऊन के कपड़े पहने बच्चों को देखो, घूमते फिरते ऋषभ भी देखो। क्या है ये मैदान, हरा भरा है ना, और तरह तरह के पेड़ है, एक पेड़ यहाँ है एक पेड़ यहाँ है, डाल डाल पर पंछी देखो, ये देखो इस डाल पर ये पंछी बैठे हुए है, पेड़ पर बैठा उल्लू भी देखो, ये देखो पेड़ पर उल्लू बैठा हुआ है, ऊन के कपड़े पहने बच्चों को देखो, देखो इन बच्चों ने ऊन के कपड़े पहने हैं, यानी ठंडी वाले कपड़े पहने हैं। अभी इस समय ठंड का मौसम चल रहा है ना, आप भी ऐसे कपड़े पहनते हो ना ठंड वाले, तो इन्होंने भी ऊन के कपड़े पहने हैं। और घूमते फिरते ऋषभ भी देखो, ये जो इसको मैंने भैंस बोला था ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऋषभ भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर आपको बताने हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बताओ मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है चित्र में। चित्र में पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हरी घास दिखाई दे रही है, फूल दिखाई दे रहे हैं, है ना, बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने उनके कपड़े पहने हुए हैं, ये ऋषभ दिखाई दे रहा है, ये उल्लू दिखाई दे रहे हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, पेड़ पर कौन बैठा है, कौन बैठा है पेड़ पर, पेड़ पर उल्लू बैठा है, है ना। तो आप भी इस पूरे चित्र को ध्यान से देखना और फिर ये देखना कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब हम अगला पेज खोलेंगे, पेज नंबर 72। इसमें हम डेट डालेंगे ऊपर, क्या डेट है आज की, आज की डेट है 1/2/2021। टू क्यों, क्योंकि अब जनवरी मंथ खत्म हो गया है, कौन सा मंथ आ गया है, फरवरी, कौन सा मंथ आ गया है, फरवरी, इसलिए हमने क्या लिखा, टू लिखा, ठीक है, 1/2/2021। इसमें हम पढ़ेंगे दो अक्षरों वाले शब्द। अभी तक तो हमने क ख ग घ पूरा ज्ञ तक पढ़ा था जिसमें एक अक्षर है वो सारे। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे उन्हीं अक्षरों को जब हम मिला देते हैं तो एक क्या बन जाता है, नया शब्द बन जाता है। जैसे ये बच्चा कहाँ जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है ना, तो च और ढ को हमने मिलाया तो क्या बन गया, चढ़, क्या बन गया, चढ़, चढ़, चढ़। इसी तरह से ये बच्चा आइसक्रीम चख रहा है ना, तो च ख मिलकर क्या बन गया, चख। ये क्या है, एक बस है, कैसे बस लिखते हैं, ब स बस, ब स बस। ये क्या है, ये घर है, घ र घर। ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे पढ़ रहा है, तो पढ़ पढ़। तो इसी तरह से हम दो अक्षरों को मिला के एक नया शब्द बना लेते हैं, जैसे चढ़ चढ़, च ख चख, ब स बस, घर घर, पढ़ पढ़। अगले पेज में भी यही है, ये देखो ये दोनों बच्चे चल रहे हैं ना, चल चल। ये क्या है, जग है, जग जग। ये क्या है, रथ, र थ रथ, ग ज गज, हाथी को क्या बोलते हैं, गज। फल
फल, चल, एक बार फिर से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? चढ़, चख, बस, घर, पढ़, चल, जग, रथ, गज, फल। और हम इन सारे शब्दों को कॉपी में भी लिखेंगे, तो अपनी कॉपी खोल लीजिए। कॉपी खोल करके कॉपी में भी हम डेट लिखेंगे, 1/2/2021, ठीक है? उसके बाद हम क्या लिखेंगे, HW। फिर उसके बाद हमें हेडिंग डालनी है, जो आप अपने मम्मी पापा किसी से भी डलवा सकते हैं। हेडिंग में क्या लिखना है, 2 अक्षरों वाले शब्द, 2 अक्षरों वाले शब्द, ठीक है? तो ये हेडिंग आप अपने घर में किसी भी बड़े से डलवा सकते हैं। अब इसके बाद जो लिखना है वो आपको खुद से लिखना है, ये किसी से नहीं लिखवाना है। तो सबसे पहला क्या था, ये है चढ़, चढ़, तो आपको इसमें भी वैसे ही लिखना है। पहले आपको क्या लिखना है, चा, फिर प्लस का साइन लगाना है, और फिर लिखना है ढ, फिर इक्वल का साइन लगाना है, और बाद में इकट्ठा लिख देना है चढ़, ये इस तरह से, ठीक है? इस तरह से आपको लिखना है। फिर अगला हमारा क्या है, चढ़ के बाद चख है ना, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे चख, च, फिर प्लस का साइन, फिर ख, फिर इक्वल का साइन, और इकट्ठा यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चख, ठीक है? इसी तरह से आपको ये सारे लिखने हैं। इस पेज वाले भी पूरे लिखने हैं आपको, और इस पेज के भी पूरे लिखने हैं। 2 लिख के मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपको खुद से लिखने हैं। जो इतने इस पेज में आ जाएंगे यहाँ लिखना है, बाकी आपको अगले पेज में लिखना है, ठीक है? इसको आप लिख लेना पूरा। अभी हम कॉपी बंद करते हैं और बुक में वापस आते हैं। बुक का अगला पेज खोलेंगे, अगले पेज में कुछ और हैं 2 अक्षर वाले शब्द। चलिए पढ़ते हैं इनको। चढ़, चढ़, मत, मत, चल, चल, चढ़, मत, चल, चढ़, 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 गज, पर, मत, चढ़, बस, पर, चढ़। ये बच्चों को कहाँ चढ़ना है, बस में, है ना? तो चढ़, 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 गज, पर, मत, चढ़, बस, पर, चढ़। अब आगे, चल, 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 छल, 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 छम, 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 मत कर, मत कर, चाला से क्या हुआ, चल, तो चल, 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 छल, 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 छम, 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 मत कर, मत कर। फिर रथ पर, चढ़ कर, चल, 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 जय घर, चल, जय, जय, गज, गज, पर, मत, चढ़, घर, चल, कर, पढ़। तो आपको भी इसे कैसे पढ़ना है, इन सारे को आपको पहले दोनों अक्षरों को अलग अलग बोलना है और फिर इनको जोड़ के पढ़ना है। जैसे ज, य, जय, ग, ज, गज, पर, पर, मत, मत, चढ़, चढ़, फिर इकट्ठा जय, गज, पर, मत, चढ़। तो इसी तरह से ये आपका पढ़ने का काम है, इसको पूरा घर पे पढ़ना है कई बार, ठीक है, अपने पेरेंट्स के सामने, और जो आपसे नहीं बनेगा पढ़ते वो अपने पेरेंट्स से पूछना है, ठीक है?
चलिए अगले पेज में आ जाइए, पेज नंबर 75 में, और इसमें भी ऊपर डेट डालेंगे हम, क्या डेट है, 1/2/2021। चित्रों को देखकर वाक्य पूरे करो। ये क्या लिखा हुआ बना हुआ है, रथ, पहले इसको पढ़ेंगे, जय पर चढ़, तो किस पर चढ़ेगा जय, रथ पर, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रथ, र क्या लिखना है, र और थ, र थ रथ। अब अगला पढ़ेंगे, यह फल, ये फल को क्या कर रही है, चख रही है, तो यह फल क्या लिखेंगे यहाँ पे, चख, तो चख लिख लेते हैं, चख चख। अब अगला करेंगे, ये क्या है, बस है, बस पर चढ़, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, बस लिखना है, बस पर चढ़। फिर क्या है, घर, ये क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चल, तो क्या हो गया, घर चल। आखिरी क्या है, जय चल कर, चल कर क्या करना है, जय को ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, तो चल कर पढ़, पढ़ा। अब हमने सारे लिख लिए, एक बार पढ़ लेते हैं सारे, जय रथ पर चढ़, यह फल चख, बस पर चढ़, घर चल, जय चल कर पढ़। अब पेज पलटेंगे अगले अभ्यास कार्य के लिए, इसमें भी हम लोग ऊपर क्या करेंगे, डेट डालेंगे, 1/2/2021। क्या करना है, यहाँ नीचे दिए गए चित्रों के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है, अगले अक्षर को लिखकर शब्द पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र बने हुए हैं और हर चित्र का, जब चित्र का जो पहला अक्षर है वो लिखा हुआ है और अगला अक्षर हमें लिखना है, ठीक है। जैसे ये क्या है, फल है, तो फा लिखा हुआ है, ला हमने लिख दिया तो फल हो गया। ये क्या है बच्चों, घर, घर है, क्या है, घर, तो घा लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है, रा, तो क्या हो गया, घर। ये क्या है, गज है, तो गा लिखा हुआ है, ग ज गज, तो हमने क्या लिख दिया, जा। अगला ही क्या है, क्या है ये, जग जग ज ग जग। ये क्या है, हल, हा ल ह ल हल। फिर ब, ये क्या है, बस है, ब स बस। आगे बढ़ेंगे, ये तो अभी हमने पहले भी किया था, क्या है, रथ, र थ रथ। अब आखिरी करेंगे, ट ब टब। क्या क्या लिख लिया हमने, घा था, हमने रा लिख लिया, तो घर, गज, जग, हल, बस, रथ, टब। आसान है ना, इसको आप भी कर लीजिएगा। अब हम अगले पेज में बढ़ते हैं, पेज नंबर 77। इसमें भी ऊपर हम डेट लिखेंगे। इसमें हमें क्या करना है, शब्दों का चित्रों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ शब्द लिखे हुए हैं और यहाँ चित्र बने हुए हैं। जैसे पहले वाले में बस लिखा था तो बस से मिल गया, ये क्या लिखा हुआ है, रथ रथ। इधर कहाँ है रथ, ये है, तो इसको हम किससे मिला देंगे, रथ से। ये क्या लिखा हुआ है, घर घर। घर कहाँ बना हुआ है, ये है, तो इसे हमने घर से मिला दिया। घर के बाद अगला क्या लिखा हुआ है, गज गज, और ये है गज, तो हमने इनको किससे मिला दिया, गज से। ये क्या है, नल नल। नल कहाँ है, ये है नल, तो इसी तरह से आप भी शब्दों को उनके चित्रों के साथ मिला देंगे। अब हम पेज पलटेंगे और आज की आखिरी गतिविधि करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे। क्या करना है हमें, यहाँ पे इन्हें अपने अपने उचित स्थान पर पहुंचाइए।
इन्हें हमें कहाँ पहुँचाना है, इधर उचित स्थान पर। जैसे कि पहले कौन है, ये दो बच्चे हैं स्कूल यूनिफॉर्म में, तो ये कहाँ जाएंगे, स्कूल जाएंगे। स्कूल कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है, तो इन्हें हम कहाँ लेके आ जाएंगे, स्कूल में। ये क्या है, फल है, आम है, तो आम कहाँ जाएगा, आम टोकरी में रख देंगे, तो इसको लाके टोकरी से मिला दीजिए, ठीक है। ये कौन है, खरगोशी क्या खाएगा, गाजर, इसको गाजर से मिला दीजिए। ये क्या है, जूते, जूते कहाँ जाएंगे, इनके इसके पैर में, इसको पहनने हैं जूते, तो जूतों को इससे मिला दीजिए, ठीक है। आज हमने दो अक्षर वाले शब्द किए, एक बार हम पूरा देख लेंगे कि आज हमने क्या क्या किया है। यहाँ से हमने शुरू किया था, ये सारे दो अक्षर वाले शब्द हैं जिन्हें आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद कॉपी में भी लिखना है, इन्हें भी कॉपी में लिखना है और इन्हें भी लिखना है, बस इन्हीं दोनों को कॉपी में लिखना है, बाकी की जो एक्सरसाइज है उनको कॉपी में नहीं लिखना है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा, उसके बाद ये पूरा पेज आपको अच्छे से पढ़ना है, और ये जितने अभ्यास कर रहे हैं ये आपको सिर्फ अपनी बुक में करना है। ये वाला हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, और ये वाला। आज के लिए इतना ही, अब हम आप लोग अपने सारे होमवर्क करके फोटो खींच के और भेज दीजिएगा। अगली वीडियो में हम तीन अक्षर वाले शब्दों को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे।